Channel, बना लर्निंग चैनल बनारस तो रिसर्च सीरीज में एक और सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक तो ऑलरेडी हमने, हमने और सैंपलिंग प्रोसीजर का इंट्रोडक्शन सारा हमने ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमने डिस्कस कर लिया है आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग हम किसे कहते हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग के पांच टाइप्स जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पर्पस ऑफ सैम्पलिंग कन्वीनियंट सैम्पलिंग कंसिक्यूटिव सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सलेक्शन ऑफ सैंपल इज नीदर नोट एंड नॉर कैन बी एस्टिमेटेड ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक जहाँ पे जो भी आप सलेक्शन कर रहे हैं सैंपल्स का वो ना आपको पता है ना आप एस्टिमेट लगा सकते हैं वो जो भी होगा वो बिल्कुल रैंडम तरीके से होगा या जिसका प्रोबेबिलिटी का कोई अता पता नहीं है ठीक है जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो कैन नॉट जनरलाइज फाइंडिंग क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जरूरी नहीं है वो रिप्रेजेंटेटिव हो या ना हो हमको नहीं पता है वो पॉपुलेशन जो ड्रॉ होगी पॉपुलेशन से जो सैंपल ड्रॉ होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं तो इसीलिए इनकी फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज़ नहीं करते हैं और ये जनरली क्वालिटेटिव टाइप ऑफ स्टडीज़ में यूज़ किया जाते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्टडीज़ में यूज़ किया जा सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल केस सीरीज़ क्वालिटेटिव सर्वेज और केस स्टडीज़ वैसी स्टडीज़ में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है अब इनके एप्लीकेशंस कहाँ हैं तो वेन रैंडमाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी सेंसिटिव टॉपिक पे काम कर रहे हैं ड्रग अब यूज़र सेक्स वर्कर्स ऐसे किसी सेंसिटिव टॉपिक या एथिकली कंसर्न टॉपिक के साथ फॉर एग्जाम्पल प्रिजनर्स पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको रैंडमाइजेशन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लोग कम हैं उसी कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन पे या उसी कॉन्स्टेंट सैंपल के साथ आपको काम करना है तो वहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपके काम आती है या फिर किसी इथिकल रीजन के जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को प्रिजनर्स पे काम करना है तो सेम नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड कैन बी बेस्ट यूज एंड ड्यू टू अन टारगेट पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए जो टारगेट पॉपुलेशन है वो अन है सैम्पलिंग फ्रेम भी मिसिंग है तो वैसे जगह पर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स का जो है यूज़ कर सकते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स का एंड टू स्टडी द फिनिना टू जनरेट हाइपोथिस जनरली इन पायलट स्टडीज केस स्टडीज और टू डेवलप कंसेप्ट और इसके अलावा जब भी हम कोई फिनमिना या थ्योरी पार्ट या हाइपोथेसिस बनाने की मदद करते हैं या मेथडोलॉजी को समझने की मदद करते हैं तो हम जनरली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं जैसे कि पायलट स्टडीज में केस स्टडीज़ में केस सीरीज में जहाँ पे हमको कंसेप्ट डेवलप करना या मैथडोलॉजी को चेक करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रादर देन जनरलाइजिंग द फाइंडिंग्स तो सबसे पहले नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कन्वीनियंट सैंपलिंग जैसा कि नाम में ही बता रहे हैं कन्वीनियंट है किसके रिसर्चर के तो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज ऑल्सो नो एज़ हेफ हजार सैम्पलिंग एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ग्राफ सैम्पलिंग क्योंकि इसमें एक्सीडेंटली जो है जो नॉन लोग होते हैं या जो रीच में होते हैं वही लोग को रिक्रूट किया जाता है रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे अपने लोगों को स्टडी में इंक्लूड करता है तो वॉट इज द डेफिनेशन इटर्न इट इज सब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड कन्वीनियंटली विथ रिस्पेक्ट टू ईज़ ऑफ एक्सेस एंड प्रोक्सिमिटी और क्लोजनेस टू द रिसर्चर कि रिसर्चर के ईज और क्लोजनेस की वजह से वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग करता है तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू या डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं रिसर्चर हूँ मेरे क्लोज़ रिलेटिव्स हैं उनको और फ्रेंड्स को मैंने रिक्रूट कर लिया तो दिस इज़ द टाइप ऑफ़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग कि मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि हाँ मेरे दोस्त आ जाएंगे रिसर्च स्टडी के लिए मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे मेरे रिलेटिव्स आ जाएंगे तो आई एम यूजिंग माय कन्वीनियंस फॉर रिक्रूटिंग द सैम्पल्स और कलेक्टिंग द डेटा अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवाटेजेस क्या हैं तो एडवांटेजेस क्या हैं इस टाइप की जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं वो पायलट स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी होती है जहाँ पर हमको रिसर्च मैथडोलॉजी में बेसिकली जो कमियाँ होती हैं उनको रूल आउट करना होता है या मैथडोलॉजी के बेस पर्पज से जिसे हम करते हैं और क्वालिटेटिव टाइप ऑफ स्टडीज के लिए बेस्ट टेक्निक होती है क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडीज में आपको जो है डेप्थ में जाना जरूरी होता है राधा देर जस्ट द ब्रेथ ऑफ द नॉलेज तो डेप्थ के लिए आपको कोई अगर क्लोज एंड कन्वीनियंट लोग मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको डिटेलिंग कर पाएंगे उस पर्टिकुलर सिनारी में देन ये काफ़ी इकोनॉमिकल होती है क्योंकि रिसर्चर को जो है कुछ खर्च नहीं करना पड़ता टाइम भी उसका बच जाता है रिसोर्सेज बच जाते हैं एंड ईजिली एसेसिबल जो भी सैम्पल्स हैं क्योंकि आपके क्लोज वंस है आपकी प्रॉक्सिमिटी में है तो वो इजीली एसेसिबल होते हैं अब यहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग के वो क्या हैं तो सबसे पहला सैम्पलिंग बायस क्योंकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग करते तो तो हो बायस तो होगा ही देन नॉन रिप्रेजेंटेटिव वो लोग किसी भी तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से एंड फाइंडिंग नॉट बी जनरलाइज तो वो तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वैसे भी आप फाइंडिंग को जनरलाइज नहीं कर सकते अनलेस वो काफ़ी रिग्र स्टैटिस्टिकल मेथड से ना की गई हो देन नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अवर परपस ऑफ सैम्पलिंग तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जितनी भी है सब अपने नाम से ही आपको अपने आप को डिफाइन करती है तो जैसे कि हम देखा कन्वीनियंट सैंपलिंग तो उसमें रिसर्चर का कन्वीनियंट है इसलिए वो कर रहा है यहां पे है पर्पस ऑफ यानी कि रिसर्चर का कोई पर्पस है उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो सैम्पलिंग कर रहा है दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑथोरेटिव सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग एक्सटेंशन ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग हेयर द रिसर्चर सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर पर्टिकुलर पर्पज यूजिंग हिज जजमेंट एंड नॉलेज तो अपने नॉलेज या प्रोफेशनल नॉलेज और जजमेंट के बेसिस पे वो ये डिफाइन करता है कि कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो पर्पसफुली, नोइंगली वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स या सैम्पल्स को रिक्रूट करेगा यूज वेन देयर इज लिमिटेड एवेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्रग अब्यूज़र्स पे काम करना है फॉर एग्जाम्पल तो मुझे जो है वहाँ परपजसफुली ड्रग अब्यूज़र्स को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा आई कैनॉट डू ड्रग अब्यूजर स्टडी ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स और हु आर नॉन ड्रग टेकर्स तो वहाँ पे पर्पजफुली मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर ड्रग का साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो मुझे स्टडी करना तो मुझे ड्रग अब्यूजर्स ही चाहिए जो उस पर्टिकुलर ड्रग को लेते हों तो दैट इज़ माई पर्पज कि आई एम रिक्रूटिंग दैट पर्टिकुलर सैम्पल फॉर अ पर्पज तो दैट इज़ पर्पजस ऑफ सैम्पलिंग फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी विद द डायग्राम कि मुझे पता है कि अगर मुझे ड्रग अब्यूज़ की स्टडी करनी है तो ये सारे लोग जो है ड्रग अब्यूजर्स है बट तो मुझे कोकेन पे स्टडी करनी है तो आई सी लाइक ये सारे जो सेलेक्टेड लोग हैं ये कोकेन ड्रग अब्यूजर्स हैं तो हम इनको पर्पजफुली अपनी स्टडी में इंक्लूड करेंगे देन अब पर्पज ऑफ सैम्पलिंग का क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवाटेजेस हैं तो एडवांटेजेस क्या है purpose पर्पज ऑफ सैम्पलिंग के कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है ज़्यादा खर्च नहीं लगता टाइम कम लगता है और ये प्रिवेंट करती है अननेसेसरी इेलिवेंट पार्टिसिपेंट्स को क्योंकि हमको पर्पस पता है अपने रिसर्च का अपने रिसर्च का क्वेश्चन पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपने सैम्पल्स को रिक्रूट कर रहे हैं तो इेलिवेंट या अननेसेसरी डेटा हमारे पास नहीं आएगा एंड इट्स ईजी टू यूज़ पर्पज ऑफ सैंपलिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं तो रिक्वायर्स कंसिडरेबल नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन अब क्योंकि आपको जजमेंटली आपको पर्पजफुली उस पर्टिकुलर सैम्पल को लेना है तो आपको उसकी पॉपुलेशन के बारे में जो है नॉलेज अच्छा होना चाहिए देन लेस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज देयर इन पर्पज ऑफ सैम्पलिंग कि आप डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को यहाँ पे एस्टिमेट नहीं कर सकते एंड इनफ स्कोप ऑफ बायस इज देयर तो सम अमाउंट ऑफ बायस इज ऑलवेज देयर इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देन द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉन कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज अवर कोटा सैम्पलिंग तो कोटा मीन्स अ काइंड ऑफ सब यूनिट और डिविजन तो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट स्टार्टम बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्चर चूज सब्जेक्ट फ्रॉम वेरियस स्टार्टम तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट स्टेटा से यानी कि डिफरेंट पर्टिकुलर ग्रुप से जो रिसर्चर है वो सब्जेक्ट्स को ला रहा है और उनका सब यूनिट बना रहा है कोटा बना रहा है जैसे कि हमने स्ट्रेडिफाइड सैम्पलिंग में देखा था तो स्ट्रेडिफाइड सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग समहाउ सिमिलर होते हैं बस वहाँ पे जो है वो नेचुरली ऑकरिंग ग्रुप में होता है यहाँ पे हम ग्रुप बनाते हैं कोटा सैम्पलिंग में तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम डायग्राम से समझें तो ऐसा समझ सकते हैं कि हमने क्या किया हमने ये कोटाज बना दी कि अच्छा ये जो है टेंथ के बच्चे हैं ये ट्वेल्थ के बच्चे हैं इलेवेंथ के बच्चे ये जो है कॉलेज स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल हमने कोटा बना दिया और उस कोटा के बेसिस पे हमने सैम्पल्स जो है वो रिक्रूट कर लिए दैट इज कोटा सैम्पलिंग कोटा जहाँ मिलता है देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोटा सैम्पलिंग तो एडवांटेजेस ऑफ कोटा सैम्पलिंग आर कोटा सैम्पलिंग इज़ यूजफुल वेन टाइम इज़ लिमिटेड जब टाइम हमारे पास कम है तो कोटा सैम्पलिंग जो है वो बेस्ट सैम्पलिंग मेथड जो है वो कंसिडर किया जाता है इट इज़ इकोनॉमिकल बहुत कम रिसोर्सेज में ये स्टडी हो पाती है सैम्पलिंग हो पाती है देन सुटेबल फॉर फील्ड वर्क स्टडीज जहाँ पर जैसे कि एपिडोमोलॉजिकल स्टडीज़ हैं सर्वेज हैं जहाँ पर फील्ड वर्क करने की ज़रूरत है वहाँ पर कोटा सैम्पलिंग काफ़ी अच्छी सैम्पलिंग टेक्निक साबित होती है इसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या है तो इनफ स्कोप ऑफ बायस जैसे कि मैंने बताया कि हर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में इनफ स्कोप ऑफ बायस होता है एंड इज लेस एक्यूरेट बिकॉज आप जो है उस पॉपुलेशन का एस्टिमेशन एक्यूरेसी प्रोसीजन नहीं निकाल सकते देन कोटा रिप्रेजेंट पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक तो जो कोटा हम बनाते हैं वो एक्चुअली हेट्रोजीनस ग्रुप से बनाते हैं बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन में से हम सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हम कोटा डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे सैम्पलिंग एरर सैम्पलिंग जो प्लान है उसके बेसिस पे एरर जो है होने के काफ़ी चांसेस होते हैं देन द लास्ट and मोस्ट important एंड वेल नोन नॉन प्रोबेबिलिटी sampling टेक्निक is snowball सैंपलिंग जिसको हम चेन या रेफरल sampling भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर चेन बनती या फिर एक इंसान दूसरे इंसान को रेफर करता है दैट इज वाई इट इज़ नोन एज रेफरल सैम्पलिंग द टेक्नीक यूज बाई रिसर्चर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सब्जेक्ट विच आर हार्ड टू लोकेट विद द हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट नॉमिनेट्स द अदर पर्सन तो यहाँ पे क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई रेयर डिसीज पे काम करना है और या फिर मुझे कोई पर्टिकुलर रेयर कल्चर पे काम करना है तो उस कल्चर के लोग ही मुझे उस उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बता सकते हैं तो एक जो सैंपल है मेरा वही मुझे दूसरे सैंपल का पता देगा या वही मुझे दूसरे सैंपल से मिलवाएगा दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्नो बॉल सैंपलिंग तो स्नोबॉल में क्या होता है कि अगर आपने कभी स्नो बॉल को स्लाइड करते हुए देखा होगा कि जैसे जैसे वो स्लाइड करते हैं उसका साइज बड़ा होता है उसमें स्नो एड होती जाती है तो सेम लाइफ like दिस नोबल सैम्पलिंग टेक्निक की एक सैंपल से दूसरे सैम्पल तक आप पहुँचते हैं एंड यह सैम्पल साइज ग्रोज आप तो इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं कि जो वेरी रेयर लिमिटेड स्मॉल ग्रुप पॉपुलेशन टाइप है उनके लिए इस सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो यूज की जाती है एंड इसके टाइप्स हैं बेसिकली दो टाइप्स हैं लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल तो एक्सपोनेंशियल कैन भी फर्दर डिटू डिस्क्रिमिनेटिव एक्सपोनशियल जो कि हम आगे देखेंगे लीनियर में क्या होगा कि एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल के बारे में बताया दैट इज लीनियर टाइप ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग एक्सपोनेंशियल में एक इंडिविजुअल ने दो इंडिविजुअल्स या दो और सैम्पल्स के बारे में बताया दैट इज ग्रोइंग अप दो एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव में क्या होगा कि सैंपल्स जो है दो लोगों के बारे में बताएगा बट आप उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे एनी रैंडम वन तो दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव अब स्नोबॉल सैम्पलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग्स आर हेल्प टू रीच डिफिकल्ट पॉपुलेशन डिफ़िकल्ट पॉपुलेशन या जिनको बहुत मुश्किल होता है रेयर डिसीज हो गए जिनको लोकेट करना डिफ़िकल्ट है वैसे पॉपुलेशन के लिए स्नोबॉल सैम्पलिंग काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है उसके अलावा ये सैम्पलिंग टेक्निक सिंपल चीप और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है एंड इट रिक्वायर लेसर वर्क फोर्स एंड लिटिल प्लानिंग यहाँ पे वर्क फोर्स और प्लानिंग की बहुत कम जरूरत पड़ती है तो ये काफ़ी ईजी गोइंग चीपली इकोनॉमिकल टाइप ऑफ सैंपलिंग टेक्निक मानी जाती है अब इसके डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो लेस कंट्रोल ओवर द सैम्पलिंग मेथड अब सैंपलिंग के मेथड में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है जैसा पर्टिकुलर सैंपल दूसरे सैंपल के बारे में बताएगा हमको उस अकॉर्डिंग ही वर्क करना है तो नो कंट्रोल ओवर सैम्पलिंग मेथड देन मोर ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी बाइस्ड यहाँ पे सब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिवनेस हो सकती है बट बायसनेस का पूरा पूरा चांसेस है हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो एक सैंपल है वो दूसरे सैंपल को जब आपसे मिलवाए तो वो ऑलरेडी जो है मेंटली कन्फाइंड हो चुका हो उस पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुका हो कि अच्छा ये ये पर्टिकुलर टाइप की स्टडी हो रही है ऐसा ऐसा पूछा जाएगा तो इट कैन रिजल्ट इन टू सैम्पलिंग बायस एंड नो कंट्रोल ओवर सैम्पलिंग मेथड एंड सैंपल साइज सैम्पल साइज और सैम्पलिंग मेथड में कोई कंट्रोल यहाँ पर सैम्पलिंग no में पॉसिबल नहीं होता है उसके अलावा जैसे कि हमने सैंपल्स और सैम्पलिंग टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं तो यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट है कि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक सैंपल के एक सैंपल को कब बोला जाएगा कि वो बहुत अच्छा सैंपल है जब उसमें ये चार फीचर्स होंगे रिप्रेजेंटेटिवनेस फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर नो सब्स्टिट्यूशन और इनकम्प्लीटनेस एंड अप्रोप्रिएट सैंपल साइज अगर वो पर्टिकुलर जो सैंपल आपने ड्रॉ किया अपनी स्टडी के लिए वो प्रपरली उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है रिप्रेजेंट अगर उस पॉपुलेशन को करेगी तो उस फाइंडिंग को जनरलाइज करना आसान होगा इसीलिए सैम्पल आपका रिप्रेजेंटेटिव हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होना माना जाता है देन सेकेंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल इज फ्री फ्राम बायस एंड एरर गुड सैंपल इज फ्री फ्राम डिलीवरेट सेलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड सैंपलिंग एरर और बायस सैंपलिंग एरर बायस सैंपल्स है ये सारे एरर्स से जो है एक गुड सैंपल बहुत डेलीब्रेटरी सेलेक्ट किया जाता है जहाँ पे ये सारे एरर्स जो है वो कम हो जाए इसके अलावा गुड सैम्पल का कोई सब्सटीट्यूशन या फिर इनकम्प्लीट डेटा नहीं होता है उनको जो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया वो ना तो रिप्लेस होंगे ना तो इनकम्प्लीट होंगे एज पर द स्टडीज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया देन अप्रोप्रिएट सैंपल साइज होना गुड सैंपल के लिए या गुड सैंपलिंग के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड या इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड सैंपल एंड इम्पॉर्टेंट बाई जनरलाइजिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टडी तो जैसा कि हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स डिस्कस कर ली हैं अब हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्या है ये फैक्टर्स जो है वो आपको याद रखने के लिए कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्शन अ सैम्पलिंग यूनिट इज नॉन तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमको सेलेक्शन ऑफ सैम्पल कैसे हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये पता होती है वहीं अगर नॉन प्रोबेबिलिटी में देखें तो सैम्पल सेलेक्शन जो है वो अननोन हो रहा है उसकी कोई प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेशन किया ही नहीं जा सकता प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सैंपल एरर कैन बी कैलकुलेटेड सैंपल का जो एर हो रहा है वो कैलकुलेट किया जा सकता है स्टाटिस्टिकल से बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इट के नॉट बी कैलकुलेटेड इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दैंपल साइज मस्ट शुड बी ऑफ फिफ्टी सैंपल्स या फिफ्टी इंडिविजुअल्स मिनिमम रेट में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपको लेने ही लेने हैं वहीं अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देखें तो विद इन थर्टी इंडिविजुअल्स या सैम्पल्स आप अपना नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का डाटा जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं वहीं अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फोकस ऑन द ब्रेथ ऑफ द इफॉमेशन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी इन टू द डेप्थ ऑफ द इफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर चीज़ को सुपरफिशियली सिर्फ ब्रेथ देखती है कितना डाइवर्स है कितना क्या रिलेशनशिप है इस टाइप के जो मेकेजम्स होते हैं वो प्रोबेबिलिटी से देखे जाते हैं बट कितना डेप्थ है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में वो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से देखते हैं जैसे कि फीलिंग्स एटीट्यूड एक्सपीरियंसेस ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि मेजरेबल नहीं हैं वो सारे डेप्थ रिलेटेड फैक्टर जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से हम रूल आउट करते हैं देन सैम्पलिंग फ्रेम इज़ नीडेड फॉर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए हमको कोई सैम्पलिंग फ्रेम रिक्वायर्ड नहीं होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फोकसेज ऑन न्यूमरिकल डाटा एज इज यूज फॉर क्वान्टिटेटिव स्टडीज वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूजेज नगरटिव डाटा और डिस्क्रिप्टिव डाटा एंड देयर फोर कॉमनली यूज फॉर क्वालिटेटिव स्टडीज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज मोर टाइम टेकिंग एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स टेकिंग वाल द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज चीपर कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग रिजल्ट कैन बी जनरलाइज उस पर्टिकुलर टाइप के रिजल्ट को हम लार्जर पॉपुलेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं बट कैनॉट इन द केस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वेल द सैंपल साइज इज स्टैटिस्टिकली ड्रॉन इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक बट द सैंपल साइज इज नॉन बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल बट ऑन सैचुरेशन कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो पर्टिकुलर इन्फ्रेंस निकालना है वो पर्टिकुलर इन्फ्रेंस अगर निकल जाएगा जितने भी पॉपुलेशन में उस टाइम पर हम सैंपल इनटेक बंद कर देंगे या सैम्पल रिक्रूटमेंट बंद कर देंगे दैट इज बेस्ड ऑन द सैचुरेशन then probability sampling is good in reliability while non probability sampling has poor reliability so reliability ka kya matlab hota hai consistency for example agar koi study probability sampling ko use karke ki gayi hai to uske results ke aane ke next par agar koi similar studies same format mein follow करता है तो उसी type के results आने के पूरे पूरे chances होते हैं probability sampling techniques में but not in the case of non probability sampling it can vary और उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर मेथड को सैंपलिंग मेथड को कहाँ यूज करना है उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये डिस्कस किए गए हैं तो यहाँ पे सिंपल रैंडम सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर कन्वीनियंस परपसेज कोटा सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड द मिक्स मेथड सिक्वेंशियल सैंपलिंग हैज बीन डिस्कस फॉर योर स्टडी पर्पज Hope you guys like this video. Do like, share, and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.